दिबांग ने बिग बॉस के घर के अंदर आते ही बताए अपने टॉप 3 कंटेस्टेंट। जी हां, आपको बता दें कि दिबांग बिग बॉस के अब तक जितने भी सीजन हुए हैं, हर सीजन में हम सबको दिबांग देखने को मिले हैं और दिबांग सबसे सटीक रैंकिंग अब तक बताते आए हैं। जब भी रैंकिंग्स की बारी आई है, सभी मेहमानों ने रैंकिंग बताई है, लेकिन जो रैंकिंग दिबांग ने बताई वो हमेशा सच साबित हुई। ऐसे में बिग बॉस सीजन 17 में अब दिबांग ने अपनी रैंकिंग दे दी है। किसे उन्होंने पहले नंबर पर रखा है? क्या आपका फेवरेट कंटेस्टेंट दिबांग की नजरों से छूट तो नहीं गया? क्या है रैंकिंग? कौन होगा पहले, दूसरे, तीसरे नंबर के ऊपर बिग बॉस सीजन 17 में? चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें। आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 17 अब अपने फिनाले के करीब पहुंच चुका है और अब हम सबको बहुत जल्द विनर का नाम भी पता चलने वाला है। लेकिन इसमें अब दिबांग आप सबको शो में नज़र आने वाले हैं। दिबांग सबकी क्लास लेते हुए नजर आएंगे, ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के होश उड़ जाएंगे। ऐसे में जब रैंकिंग की बारी आई तो यहाँ पर दिबांग ने तीसरे नंबर पर किसी और को नहीं रखा, बल्कि यहाँ पर रख दिया उन्होंने मुनव्वर फारूकी की, और कहा कि घर के बाहर की जनता कहीं ना कहीं तुम्हें समझ रही है कि तुम किस तरह की गेम खेलते आए हो और आगे भी किस तरह की गेम खेलना चाहते हो। दूसरे नंबर पर यहाँ पर दिबांग ने रखा है अंकिता लोखंडे और कहा कि अंकिता, तुम्हारी फैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी है, तुम्हारी गेम भी अच्छी है, मैं तुम्हें दूसरे नंबर के ऊपर रखता हूँ। बारी आई जब पहले नंबर की तो यहाँ पर दिबांग ने किसी और को नहीं बल्कि अभिषेक कुमार को रख दिया और कहा, जिस तरह की जर्नी तुम्हारी बिग बॉस के घर के अंदर हुई है, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे हाथ में बिग बॉस सीजन 17 की ट्रॉफी आ जाएगी। ऐसे में आपका इसके बारे में क्या सोचना है? आपको दिबांग की रैंकिंग कैसी लगी हमें कमेंट करें और बिग बॉस सीजन 17 से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।